चंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपी सह गोपिका खंत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्त्या विहीन अपराध लक्षय क्षिप्तासिकामादि तरंगमध्ये कृपा मयि त्वं शरणं प्रवर्णा वृंद नमस्ते चरणारविंदम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंदन जहा हई थे विघ्न नाश अभीष्ट पुरन नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला ब्रह्म विष्णुपाद अष्टोदर सदा श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राजिक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सब भक्तों के चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। ठीक है, आज हमारे बहुत ही अच्छा दिन है। श्री राधा रमण प्रभु जी के घर में आज हम लोग भगवत कीर्तन और भगवत कथा के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग। इसका तात्पर्य है जब हमारा घर में भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो, घर में भगवत कथा हो, कहते वो घर क्या बन जाता है। कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग। अगर कोई व्यक्ति एक साथ में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है स्नान करना चाहता है, कभी संभव है? अगर एक व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी में सारे तीर्थ में अगर अलग अलग जाकर के स्नान करना चाहता है फिर वो भी संभव नहीं। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कहते सबसे सरल उपाय क्या है ये पृथ्वी में सारे तीर्थ में स्नान करने का। कहते एक उपाय है, अगर कोई भगवत कथा रस में अगर डूब जाए, भगवत कथा अमृत में अगर कोई डूबे तो कहते समझो सारे तीर्थ में एक साथ में स्नान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग। जहां भगवान की कथा है, अगर आप कथा मृत श्रवण कर लिया, कथा रूपी मंदाकिनी में अगर गोता लगाए, समझो ये पृथ्वी में सारे तीर्थ में आपकी स्नान हो गया है।
जब एक समय एक भक्त कथा सुना रहे थे, जैसे यहाँ पर भगवत कथा हो रही है, कहीं ऐसे भगवत कथा हो रही थी, उसमें कोई एक भावुक एक भक्त बैठ कर कथा सुन रहे थे। अभी वो कथा रस को पान करते करते कथा रस में इतने डूब गए, अभी उनका शरीर का हुदहुद नहीं रहा, कथा समाप्त हो गया, सब के सब कथा छोड़कर चले गए, लेकिन वो भक्त वहां पर बैठ रह गया। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद में देखा एक काले एक घोड़ा कहीं से दौड़ दौड़ करके आया, और जहां पर ये कथा हुई थी वही रज में वो लौट पोट खाने लग गया। वो जितने उसमें लौट पोट खा रहा था, उसका जो शरीर जो काला था वो धीरे 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 सोने बन गया। अभी वो जो भक्त बैठा हुआ था कला ये कौन है, ये घोड़ा पहले काला था और यहाँ पर लौट पोट खाते खाते इसका शरीर एकदम चमचमात हो एकदम सोने बन गया, लगता है ये घोड़ा कोई साधारण नहीं। तब उन्होंने उनको हाथ जोड़ करके प्रश्न की, कहते हे महापुरुष आपका क्या परिचय है। वो घोड़ा बोलता है मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मतलब जितने सारे तीर्थ हमें राजा ये प्रयाग को बताया गया। कहते आप तीर्थराज प्रयाग, बोले हाँ। कहते मैंने आपको पहले देखा, आपका शरीर एकदम काला था और यहाँ पर लौट पौट खाते खाते आप सोने बन गए, इसका तात्पर्य क्या है। कहते इसका तात्पर्य है जितने सारे पापी आकर के प्रयाग में स्नान करते हैं, स्नान करने पर सारे पाप को वहां छोड़ करके चले जाते और पाप का बोझ से मेरा शरीर काला हो जाता है। मैं ढूंढता हूँ कहाँ ये भगवत कथा, कहाँ भगवत कीर्तन होता है, मैं ढूंढता फिरता हूँ। कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर सत्संग हुई थी, भागवत कथा हुई थी। कहते हाँ। कहते जहाँ पर ये भगवत कथा हो वो स्थान सर्व तीर्थमय बन जाता है और वहां पर मैं लौट पोट खाने पर मेरा शरीर से सारे पाप छूट जाता, पुनः मैं जा करके पापियों का पाप को मैं स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिनको घर में ये भगवत कथा हो, जिसको घर में भक्त लोग आए और भगवत कीर्तन करे, कहते वो घर घर नहीं रह जाता। स्वयं भक्तिमन ठाकुर कहते हैं यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए। भक्तिमन ठाकुर वो कीर्तन में कहते हैं, कहते जिस दिन हमारा घर में भक्त लोग आए, घर में भगवत कथा हो, कहते हमारा घर घर नहीं रह जाता है। कहते गृह ते गोलोक भाए, कहते घर साक्षात भगवत गोलोक वृंदावन बन जाता है। इसलिए भगवत कीर्तन भगवत कथा हाँ अपना घर में होना बड़ा सौभाग्य की बात है। हाँ तभी घर में कहीं भक्त लोग आकर के प्रभु का कीर्तन और सत्संग होता है। ब्रह्मिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए कहते भगवत भक्ति में हाँ आप लोग प्रह्लाद महाराज की कथा जानते हो। कहते भगवत भक्ति में नौ तरह का भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आप लोगों को पता जिस समय हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को प्रश्न करता है, कहते बेटा ये बताओ तेरे को जो मैं गुरु गृह में भेजा था लेखा बड़ा सीखने के लिए, बताओ जो तुमने लेखा बड़ा सीखा है सबसे उत्तम विद्या क्या है। इतने में प्रह्लाद सोच रहा है, कहते उत्तम विद्या तो केवल भगवान का भक्ति है, लेकिन मेरे जो गुरु संधा और अमर वो जो शिक्षा हमें दिया है, ये धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग का शिक्षा दिया है और उसमें राजनीति दंड नीति कूटनीति ये सब बात हमें शिक्षा दिया है। इसलिए ये संधा अमर का तो गुरु कहने का लायक ही नहीं, लेकिन मेरे गुरु तो नारद जी है। जब मातृगर्भ में मैं था नारद जी ने मुझे जो सुनाया वो उत्तम विद्या है। इतने में प्रह्लाद महाराज ने बताए बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम बंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ने धीतमूतम। कहते पिताजी जितने सारे भक्ति में हाँ जो उत्तम विद्या है कद केवल भगवान का भक्ति और वो नौ तरह का जो भगवत भक्ति है जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सख्य आत्म निवेदन ये नौ तरह का भक्ति कदी ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इससे और बड़ा भक्ति जगत में कुछ नहीं। लेकिन ये जो भगवत भक्ति कैसे करनी चाहिए कहते पहले करके भगवान को अर्पण नहीं कहते पहले भगवत चरण में शरणागत हो जाओ पहले गुरु जी को चरण में संपूर्ण शरणागत हो करके उसको बाद में ये फिर भक्ति जाजन करनी चाहिए। लेकिन ये भक्ति किसको करनी चाहिए ये तो भक्ति करनी चाहिए कहते किसी देवा देवी को नहीं। अगर ये भक्ति केवल विष्णु और भगवान के लिए अगर ये भक्ति हो तब तो उसको उत्तम भक्ति कहा जाएगा और उसमें अगर कृष्ण के लिए ये भक्ति किया जाए कहते समझो सर्वश्रेष्ठ भक्ति। कहते उसी में भी अगर श्री राधा रानी के लिए किया जाए कहते समझो उससे भी और श्रेष्ठ भक्ति है। अगर चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य में अगर राधा कृष्ण को भक्ति करे तो समझो ये उत्तम नहीं ये उत्तम का और उत्तम है। अगर रूप गोस्वामी की अनुगत्य में हाँ ऐसे रूपानुग गुरु परंपरा के द्वारा अगर ये भक्ति किया जाए तो समझो ये सर्वश्रेष्ठ उत्तम भक्ति है। इससे और उत्तम भक्ति जगत में कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर बताए ये जो भगवत भक्ति जो नौ तरह का भगवत भक्ति है अगर कोई एक भक्ति को भी अपना जीवन में जाजन करे अगर नौ नहीं श्रवण केवल हो नहीं तो कीर्तन हो नहीं तो पाद सेवन हो कोई अगर एक भक्ति को निष्ठा पूर्वक अगर कोई करे कर उसको द्वारा ये जीव को सिद्धि मिल जाती है। कहते श्रवण में कहते परीक्षित महाराज और उन्होंने कुछ नहीं किया केवल जीवन में केवल सात दिन तक उन्होंने भागवत कथा सुनी उनको भगवत प्राप्ति हो गई। कहते कीर्तन के द्वारा सुखदेव गोस्वामी केवल भगवत कीर्तन किया कहते उसको द्वारा उनको भगवत प्राप्ति हो गई। कहते स्मरण के द्वारा कहते प्रह्लाद महाराज ने केवल भगवत स्मरण करते हुए उन्होंने भगवत प्राप्त कर लिया। पाद सेवन लक्ष्मी केवल भगवान की पाद सेवन की भक्ति आदन कर रही है लेकिन उससे उनकी कल्याण हो गई। कहते अर्चन के द्वारा पृथु महाराज बंदन के द्वारा अक्रूर जी आत्म निवेदन के द्वारा श्री बलि महाराज। लेकिन अगर निष्ठा पूर्वक एक भक्ति को अगर कोई जाजन करे उनका जीवन में कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो नौ तरह का भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ जो पहला जो भक्ति है कहते श्रवण ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। पहले भगवत कथा सुननी चाहिए। इसलिए हनुमान जी का नाम सुने हो कभी कभी रामचंद्र हनुमान जी को बताया करते थे बोले बेटा सत्संग में जाओ भगवत कथा सुनने जाओ। हनुमान बोलता था प्रभु सत्संग में जाने का क्या जरूरत है हरि कथा सुनने का क्या जरूरत है हरि कथा में क्या बोलते हैं आपकी तो भक्ति करो भजन करो तो यही बोलते हैं ना आपकी सेवा करो। लेकिन ऑलरेडी तो आपको सेवा में कर ही रहा हूं घर में आपको तो सेवा में कर ही रहा हूं घर में तो फिर ये सत्संग में जाने का क्या जरूरत है। रामचंद्र कहते थे बेटा कहते हरि कथा में जाओगे तो जो तू भजन कर रहे हो उसमें चार चांद लग जाती है। चार चांद समझते हो चार चांद लगना मतलब वो अगर सत्संग में जाओगे जो भक्ति कर रहे हो उसमें विशेष रुचि आती है। अगर सत्संग नहीं सुनोगे तुम्हारा अंदर में भजन करने की उत्साह नहीं रहेगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कहते गुरुदेव तो हृदय में भगवत भक्ति रूपी लता रूपी बीज को बो देते हैं लेकिन उसमें पानी क्या है अगर कोई लता लगाया अगर उसमें पानी नहीं दोगे क्या होगा
दो दिन बाद में फिर लता पता सब सूख जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए महाप्रभु ने कहा श्रवण कीर्तन जले करे सेचन, कहते हे रूप जो गुरुदेव जो हृदय में बीज बो दिया, हाँ कहते श्रवण कीर्तन रूपी जल सेचन करनी चाहिए, नहीं तो वो लता बढ़ेगी नहीं, जहां के तहां वही रह जाएगी। इसलिए रामचंद्र ने कहा हनुमान अगर तुम भगवत कथा सुनोगे उसको द्वारा भजन करने का उत्साह आती है, अगर कथा नहीं सुनोगे भजन करने की उत्साह नहीं आएगी, हरिनाम करने में रुचि नहीं आएगी, ठाकुर का सेवा पूजा करने में रुचि नहीं आएगी। इसलिए बेटा कथा सुननी चाहिए। रामचंद्र रोज रोज बोलते हैं। एक दिन हनुमान ने सोचा प्रभु रोज रोज बोलते हैं जाओ सत्संग में हरी कथा सुनो हरी कथा सुनो, ठीक है एक दिन में चलता। एक दिन हनुमान कथा सुनने गए, जाकर के कथा को बीच पीछे जाकर के बैठ गए प्रणाम करके। उसमें काक भूषणी जो कथा कर रहे थे राम कथा, उसमें प्रसंग था जब रावण ने माता सीता को चोरी करके ले गए ना, अभी हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, कहीं दुष्ट रावण मेरे माता सीता को चोरी करके ले गया, अभी मैं दिखाता हूँ। हनुमान ने एक छलांग लगाया, एक छलांग लगाकर लंका में सीधा पहुंच गया और जा करके देखा माता सीता अशोक वाटिका में बैठ करके राम चिंता में रो रही है। उसको देख करके हनुमान जी को बड़ा क्रोध आ गया, दुष्ट रावण मेरे माता सीता को चोरी करके ले आया, ये लंका को मैं जला दूंगा। इतने में कहते हनुमान जी कौन है, कहते स्वयं शंकर है। उन्होंने अपना तीसरे नेत्र को उन्होंने खोला, तीसरे नेत्र को खोला तो उसमें आग प्रकट हुई और आग से लंका को उन्होंने जला दी। ये काग भूसुंडी ये कथा सुना रहे थे लेकिन हनुमान स्वयं बैठा हुआ। हनुमान ने कहा देखो कितना झूठ बोल रहा है, मैं स्वयं कथा में मैं स्वयं बैठा हुआ, मेरी कथा हो रही है और मेरे सामने, और ये इतने झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तो मैं कथा में आना नहीं चाहता था। मेरे को पता है लंका पार होने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा। जब मैंने लंका पार हो रहा था तीन जगह में मेरी परीक्षा हुई है, हाँ वहां पर दो, हाँ वहां पर तो एक राक्षस को मैंने वध किया, एक जगह में बोले विश्राम करो, एक जगह में वो राक्षसी मुंह खोल करके बोले जा नहीं सकते हो खा जाऊंगा, हाँ बड़े कठिनी से मैंने ये पार हुआ मैंने ये समुद्र को। उसको बाद में जब लंका में पहुंचा अंदर में जाना चाहता था, वहां पर देखा लंकिनी वहां पर खड़ी, वो जाने नहीं देने चाहती है, एक थप्पड़ मारा तो वो बेहोश हो गई। उसको बाद में अंदर में गया, फिर रात भर में ढूंढते रहा, जब विभीषण को साथ में साक्षात्कार हुई तो उसने बताया माता सीता अशोक वाटिका। उसको बाद में सीता को साथ में मिल करके फिर मैंने फल खाने के लिए गया, कितने राक्षस आए उनको साथ में मैंने युद्ध की और लास्ट में इंद्रजीत मुझे नागफास बंधन में बांध करके ले गया। उसको बाद मेरे पूछ में कपड़ा लपटा करके उसमें मिट्टी का तेल डाले उसमें आग लगाया, उसको बाद में मैंने ये लंका को जलाया। इतने सारे बात है लेकिन ये काग भूषण जी क्या बोल रहे, सीधा छलांग लगाए पहुंच गए लंका जला दिया, कितना झूठ बात है। अभी हनुमान का मन में बड़ा शंका आ गया, उन्होंने कथा समाप्त होने पर उन्होंने प्रणाम करके वहां से वापस आ गए। रामचंद्र ने कहा हनुमान तुमने कथा सुनी है, कहते प्रभु क्या बताऊं क्या प्यारी कथा, जिंदगी में ऐसे कभी कथा सुनेगा इतनी बढ़िया कथा हो रही थी। लेकिन रामचंद्र तो भगवान वो जानते हैं सब कुछ, रामचंद्र समझ गए ये कथा सुन करके हनुमान का मन में शंका आ गई। अभी रामचंद्र उनकी शंका दूर करने के लिए इतने में रामचंद्र ने उनको उनको अंगूठी में एक अंगूठी थी, अंगुली में एक अंगूठी थी मुद्रिका, हाँ मुद्रिका अंगूठी, उन्होंने उसको निकाले, निकालते समय उनको हाथ से गिर गया। रामचंद्र का हनुमान ये मुद्रिका को मेरे को उठा करके दो। जब हनुमान वो मुद्रिका को उठाने के लिए गया
देखा वो मुद्रिका भाग रहा है, तो हनुमान भी उसको पीछे भागा। हनुमान का मन में ये भी एक अभिमान था, जगत में सबसे ज्यादा तेज भागने वाला मैं, मेरे से उतना तेज कोई नहीं भाग सकते। लेकिन हनुमान वो मुद्रिका को पीछे जितने तेजी भाग रहा था, वो मुद्रिका उतना जल्दी भाग रहा था। हनुमान मुद्रिका को पकड़ नहीं पाया और वो मुद्रिका चलते चलते मंदाचल पर्वत में पहुंचा और जाकर एक गुफा में प्रवेश कर गया। अभी हनुमान जब वो गुफा में प्रवेश किया, देखा वहां पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा बंदर। उसने कहा, ए कहां जा रहे हो? हनुमान बोले, तू है कौन? कहते मैं हनुमान हूं। बोले हनुमान इतने कमजोर? कहते इतने कमजोर? हमारा अंदर में हनुमान बैठे हुए, वो लंबे चौड़े मोटे, तू इतना कमजोर कैसे? हनुमान तो बड़े कंफ्यूज में पड़ गया। कहते ये दूसरा हनुमान कहां से आ गया? ये हनुमान तो मैं सोच रहा था मैं एक हनुमान हूँ, ये दूसरा हनुमान कैसे आ गया? जैसे ब्रह्मा जी का स्थिति हो गई थी। कहते ये दूसरे हनुमान कहां से आ गया यहाँ से? इतने में हनुमान तो बड़ा चतुर था। कहते आपका हनुमान को मैं दर्शन कर सकता हूँ? कहते हाँ, मैं आदेश लेकर आता हूँ। तो वो बंदर अंदर में गया और हनुमान जी को पूछा, जो बड़े हनुमान बैठे हुए थे। कहते एक छोटा सा कहीं से हनुमान आया है, वो बोलता ये हनुमान है। और वो हनुमान अंदर में आना चाहते हैं, क्या उनको आ सकता है? वो हनुमान जी समझ गए, बोले ठीक है उनको अंदर में आने दो। जब ये हनुमान को अंदर में गए, देखा वो जो बड़ा हनुमान वो बैठ करके प्रभु राम के नाम ले रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहा था, उनका शरीर पुलकित हो रहा था, राम सीता प्रेम में संपूर्ण डूबा हुआ था। अब वो बड़ा हनुमान उठ करके वो जो छोटा हनुमान था उनको आलिंगन किया। आलिंगन करके वो बड़ा हनुमान छोटे हनुमान को बताया, कहते हनुमान सत्संग में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। तुम जिस दिन सत्संग सुनने गया था, उसी दिन काग भूसुंडी जो कथा सुना रहे थे, वो काग भूसुंडी कितने कल्प बीत गया वो बैठे हुए, वो एक कल्प का नहीं। राम कितने बार आ करके, कितने बार राम चले गए, ये काग भूसुंडी तभी बैठा हुआ था। वो काग भूसुंडी जो कथा सुना रहा था, वो दूसरे कल्प राम की कथा है। इसी समय तू एक हनुमान तो आए हो, क्या तू जो काग भूसुंडी जिस हनुमान की कथा सुना रहे थे वो मेरे बात सुना रहे थे। कहते उसी अवतार में प्रभु राम ने मुझे इतने शक्ति दिया था, मैं एक छलांग लगा करके मैंने लंका में पहुंच गया। तुमको तो बड़ा परीक्षा रास्ता में आई, लेकिन मेरे एक छलांग में पहुंच गया था और वहां पर मेरे को इतने शक्ति दिया था, मैंने अपना तीसरा नेत्र खुला तो उसमें अग्नि प्रकट हुई और पूरा लंका को मैंने जला दिया था। बोले हनुमान, वो हनुमान मेरी बात बता रहे थे। हनुमान कभी काग भूसुंडी कथा को शंका नहीं करनी चाहिए। बोले हनुमान जाओ, जिस मुद्रिका को लेने के लिए आए हो वहां से ले जाओ। जब हनुमान वो मुद्रिका को लेने के लिए गए ना, देखा एक साथ बहुत सारी मुद्रिका, बहुत सारे। हनुमान कंफ्यूज में फेर पड़ गए, इतना मुद्रिका एक साथ में इतनी कहां से आ गए? बोले प्रभु, ये हनुमान पूछे इतने सारे मुद्रिका कहां से आए? कहते हैं राम जितना बार आए, जब जब किसी हनुमान को मन में शंका हो जाता है, प्रभु उसको यहीं पर भेजते हैं और यहीं पर आ करके वो हनुमान का शंका दूर होता है, फिर हनुमान मुद्रिका लेकर के जाते हैं। फिर तो हनुमान का मन में सारी शंका दूर हो गई। वहां से वापस आकर के राम का चरण में उन्होंने प्रणाम किया। हनुमान तब से उन्होंने प्रतिज्ञा की। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किया? अगर कहीं राम कथा होती है, आप लोग देखे होंगे जहां भी राम कथा हो, सबसे पहले हनुमान जी का तस्वीर रखा जाता है। इसलिए हरि कथा से पहले हनुमान आते हैं और जो कथा वाचक श्रोता वो स्थान को वो प्रणाम करके बैठते हैं सबके पीछे। अब जब कथा समाप्त हो जाता है, सबसे पीछे जाते हैं, सबको प्रणाम करके, कथा स्थली को प्रणाम करके, कथा वाचक को प्रणाम करके, फिर हनुमान जी जाते हैं।
इसलिए तभी से हनुमान ने ये प्रतिज्ञा की है। इसलिए जहां पर जितने राम की कथा हो हनुमान उतना रूप धारण करते हैं, रूप धारण करके हर जगह की कथा रस को पान करते हैं। इसलिए भागवत में श्री पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हे प्रभु मुझे 1000 हाथ दे दो, 1000 हाथों से आपको सेवा करूं, और मुझे 1000 कान दे दो, 1000 कानों को द्वारा आपकी मैं कथा सुनता रहूं। कहते अगर एक व्यक्ति का सारा शरीर में कान ही कान हो जाए अच्छा लगेगा देखने में, अगर एक व्यक्ति का सारा शरीर में कान ही कान हो जाए देखने में अच्छा लगेगा, तो ये पृथ्वी महाराज ने इतने कान के लिए प्रार्थना क्यों किया। तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, कहते इसका तात्पर्य यह है, कहते हे प्रभु जहां जहां आपकी कथा होती है हर जगह का कथा रस जैसे मेरे कान में पड़े, हाँ कथा रस का एक बूंद जैसे चुप नहीं जाए, कथा रस जैसे मैं वंचित नहीं हो जाऊं, जैसे हर समय आपका ये कानों में आपके में कथा सुनते रहूं। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज जो 9 तरह का जो भक्ति की बात बताए, यहाँ पर सर्वप्रथम जो भक्ति है कथ श्रवण, कथ जो जितने अच्छे तरह से जो श्रवण करते हैं उसका जो कीर्तन उतना अच्छा कीर्तन होता है। अगर हमें कथा सुने ही नहीं फिर कीर्तन कहां से करेंगे, फिर करेंगे तो उल्टा पुल्टा करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम भगवत कीर्तन श्रवण। अभी यह प्रश्न होता है प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन श्रवण कहां से करें, श्रवण करनी तो चाहिए, क्या जहां तहां कथा सुननी चाहिए? कहते नहीं, जहां तक कथा नहीं सुननी चाहिए। तो वहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं सजातीय आश्रय सिद्ध साधु संग सतबरित, कहते जहां तक कथा नहीं सुननी चाहिए, कहते कथा वहीं सुननी चाहिए सजातीय आश्रय सिद्ध, जहां पर आप एक भाव युक्त व्यक्ति हो, जैसे हम लोग महाप्रभु के लाइन के राधा कृष्ण के प्रेम में भक्ति करने वाले, अगर किसी दूसरे भक्ति करने वाले व्यक्ति को पास में पहुंच जाए अगर कथा सुने ना, हमारा जो लक्ष्य है लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगी, हमारा लक्ष्य लक्ष्य नहीं रहेगा, लक्ष्य से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना सजातीय भक्तों को साथ में, हम जिस लाइन पर चल रहे हैं हाँ उसी लाइन की कथा जहाँ होती है वहीं पर कथा सुननी चाहिए। ऐसे जगह पर बैठ गए जहाँ पर सारी देवादेवी की बात होती है, ये देवता को पूजा करो, ये देवी को पूजा करो, उसको पूजा करो, फिर क्या होगा, हम अपना लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा। अभी यहाँ प्रश्न यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं लेकिन कथा जितने अच्छे भक्तों से सुना जाए कथा हमारा ऊपर उतना ही प्रभाव पड़ता है। जो जितने अनुभूति भक्त संपन्न हो, जिसके हृदय में भगवत भक्ति के जितने अनुभूति संपन्न हो, अगर वहां से कथा सुने तो हमारा हृदय में भावना की ज्यादा से ज्यादा प्रकट होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छे भक्तों से सुननी चाहिए, श्रेष्ठ भक्ति से। अभी प्रश्न होता है जैसे हम हालांकि में आप लोग रह रहे हो, फिर शुद्ध वक्त आपको कहां से मिलेंगे, इतने शुद्ध वक्त आपको कहां से मिलेंगे जो कि हम इतने उन्नत भक्तों से कथा सुने, हाँ? तब वहां पर गुरु वर्गों का कहना है फिर तो हमारा जो हाँ हम लोग स्वयं बैठे करके एक भाव के भक्त लोग बैठे करके आपस में हरी कथा चर्चा करनी चाहिए, हाँ? तब फिर उसको द्वारा ही धीरे धीरे, क्योंकि जब हम हरी कथा बोलते हैं जैसे चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, हाँ? जैसे चैतन्य भागवत कोई पढ़ रहे हैं, लेकिन चैतन्य भागवत है किसकी बना हुआ, वो साक्षात वृंदावन दास ठाकुर का बना हुआ है। जब हम बैठ करके कोई भक्त पढ़ रहे हैं हम सुन रहे हैं लेकिन पढ़ रहे ग्रंथ है किसका, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर का, फिर हम संग किसका कर रहे हैं, कहते साक्षात वृंदावन दास ठाकुर का संग कर रहे हैं। ये मत समझो नहीं ये साधारण व्यक्ति बैठ कर कथा बोल रहे हम कथा क्या सुने, ऐसे नहीं सोचनी चाहिए। हाँ जैसे समझो हमारे महाराज जी है, जब महाराज जी हमारा कोई तिथि आता है तो महाराज जी क्या करते हैं, सब महाराज को खड़े करते हैं, कभी तीर्थ महाराज को बोलते तुम बोलो, पद्मनाभ महाराज को बोलते तुम बोलो, बन महाराज को खड़े कर देते हैं, कभी मुझे भी खड़े कर देते हैं, कभी तुम बोलो, फिर महाराज बैठ कर सुनते हैं कि नहीं, महाराज कितने उन्नत भक्त है, महाराज कितने उन्नत भक्त है, फिर हमसे सुनकर उनको क्या होगा,
हम तो उनका शिष्य का शिष्य का हम शिष्य भी नहीं है, हमारा तो हृदय संपूर्ण अनर्थ ग्रस्त है। लेकिन फिर महाराज बैठ बैठ कर क्यों सुनते हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग जो बताते हैं महाराज जी जो सुने हुए बात को और शास्त्र की बात को बताते हैं। अगर कभी गलती बोल दे फिर गुरुदेव हमें ये कर देते, संशोधन कर देते हैं। हाँ, फिर गुरुदेव संशोधन कर देते हैं। इसलिए एक दिन ऐसे हुआ, मथुरा मठ में तीर्थ महाराज भागवत कथा कर रहे थे, तो हमारे ब्रह्मचारी लोग कुछ थे, कुछ तो बैठे हुए थे और कुछ नहीं बैठे थे। इतने में हठात गुरु जी आ गए। जब गुरु जी आ जाते हैं ना, फिर सबके सब आकर बैठ जाते हैं। तो महाराज ने, महाराज का आग बड़ा तेज आ गया, महाराज का आग बड़ा तेज आ गया। तो महाराज ने देखा पहले कौन बैठा था और बाद में कौन आए। जो बाद में आए ना, महाराज बैठ कर उनको खड़े किया, बोले यहाँ पर भागवत कथा हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे? इसलिए महाराज स्वयं बताए कि जब कथा होता है, जब बोलते हैं, मैं स्वयं यहाँ बैठ करके सुनता हूँ, क्योंकि ये भागवत कथा है, ये व्यास देव जी का कथा है। हाँ, हम तो कोई बहिर्मुख व्यक्ति से सुन नहीं रहे हैं, हम तो भक्तों का मुंह से सुन रहे हैं। जब मैं स्वयं बैठ कर कथा सुनता हूँ, ये तो भागवत कथा है ना, तब तुम क्या कर रहा था, क्यों कथा में नहीं बैठ? महाराज इतने जोर से शासन किया उसको। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, शुद्ध भक्त मिलना जगत में बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ये बात कहते हैं, इसलिए जितने शुद्ध भक्तों से कथा सुने उतना तो हमारे हृदय में उतना ही जल्दी जल्दी काम करता है। लेकिन अगर नहीं रहे तो फिर क्या करें? क्या हरि कथा सुने नहीं? कहते नहीं, फिर भी बैठ करके कथा सुनो। इसलिए एक समय कोई एक व्यक्ति मेरे गुरुजी से प्रश्न किया, बोले गुरुदेव आप बोलते हो सत्संग करनी चाहिए, आप यही बोलते हो सत्संग करनी चाहिए, लेकिन हम तो आपसे बहुत दूर रहते हैं, कभी महीना में 15 दिन में सप्ताह में एक बार मैं आता हूँ, लेकिन आप हर समय बोलते हो साधु संग करनी चाहिए, साधु संग करनी चाहिए, फिर मेरे को साधु संग हम करें कैसे? तो मेरे गुरुदेव कहते हैं, क्यों, मैंने तुमको कुछ साधु दिया है ना? बोले गुरुदेव क्या साधु दिया? बोले तेरे को मैंने जैव धर्म नहीं दिया, मैंने तुमको चैतन्य भागवत नहीं दिया, मैंने तुमको मन शिक्षा नहीं दिया। कहते बेटा जब यहाँ आकर के सुनते हो अच्छी बात है, जब सुन नहीं पाते हो कम से कम वो ग्रंथों को पढ़ा करो, जब चैतन्य भागवत पढ़ो समझो साक्षात वृंदावन दास ठाकुर हमें बोल रहे हैं, जब मन शिक्षा को पढ़ो समझो साक्षात ये रघुनाथ दास गोस्वामी मुझे उपदेश दे रहे हैं, जब जैव धर्म पढ़ो समझो ये साक्षात भक्ति विनोद ठाकुर हमें उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनका ग्रंथ है, ग्रंथ रूप में वो साक्षात है, साक्षात रूप में ग्रंथ रूप में, इसलिए बेटा उस समय उसको पढ़ा करो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो भगवत भक्ति बताया, ये बताया गया कौन सा भक्ति? कद श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। कद दूसरे तरह का जो भक्ति है कीर्तन, कद कीर्तनाख्य भक्ति में, कद जो सर्वश्रेष्ठ कीर्तनाख्य भक्ति में, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, यद्यपि कीर्तन बहुत है लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र को, ये कीर्तन को मुख्य रूप में करनी चाहिए। हाँ, और वो जो कीर्तन करनी चाहिए, कहते वो तीन तरह से कीर्तन किया जाता है। कहते एक तरह से तो जोर जोर से, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब हरिदास ठाकुर ये महामंत्र, कहते वो तीन तरह से 3 लाख हरिनाम करते थे, कहते 1 लाख हरिनाम वो जो करते थे जोर जोर से 1 लाख हरिनाम करते थे। हाँ? और 1 लाख जो हरिनाम करते थे जो अपना केवल कान तक पड़े, कहते और 1 लाख जो हरिनाम करते थे केवल मन मन में। तब एक समय हरिदास ठाकुर रास्ता में चलते समय जोर जोर से हरिनाम करते करते जा रहे थे, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो किसी दूसरे मुसलमान ने उसको पूछ लिया, कहते भैया हमने सुना है जो भजन ये सब मन मन में होता है, लेकिन वो तू जोर जोर से किए, जोर किस लिए कर रहे हो? क्या दूसरों को सुना रहे हो? तुम बड़े भजनानंदी, बड़े भजन करने वाले,
ये जोर जोर से क्यों करते हो? उसका उत्तर हरिदास ठाकुर ने दिया, कहते भैया ये बताओ, संसार में एक व्यक्ति कमा करके वो स्वयं खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ तो वो दोनों में कौन बड़े हुए? कहते सीधी बात है, जो पूरा परिवार को खिलाता है वो बड़ा है, जो अकेला खाता है वो स्वार्थ अपनी अकेला खाता है। तब हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक वही सही, जो जोर जोर से हरिनाम करता है वो, जिनको कान में प्रभु का नाम जाए, लता पता वृक्ष पशु पक्षी जिनको कान में प्रभु का नाम पड़े उनका भी कल्याण होता है। तो उन्होंने एक पुराण से एक श्लोक को उदाहरण देकर समझाए, बोले देखो ये पुराण में ये श्लोक बताया, बोले जपो तो हरि नामा निष्ठाने सत्व गुणाधिक आत्मा नाच पुनः तुचे। कहते जो मन मन में भजन करता है उसको जो फल मिलेगा, अगर कोई उच्च स्वर से अगर कोई हरि नाम करता है उसको 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, इतना लाभ है जोर जोर से हरि नाम करने पर। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के मृदंग और बजरा बजाते हुए उन्होंने जो गली गलियों में कीर्तन क्यों किया, उसका यही कारण था, जिनको कान में ये शब्द ब्रह्म पड़े, भगवान का नाम जिनको कान में पड़े उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु जोर जोर से कीर्तन करते थे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरे 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 गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय हरे गोविंद गोविंद गोपाल जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद
का संवाद है। कद वह संवाद में भी जब श्री नमी महाराज ने प्रश्न किया, कहते कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है और कलयुग में उपास्य कौन है, कलयुग को किसको उपासना करनी चाहिए, कहते उसका उत्तर में नव जोगेंद्र ने बताया। बहुत अच्छा श्लोक है, तो वो श्लोक बताए बोले कृष्ण वर्णम सिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जग्यै संकीर्तन प्रायै जयंति ही सुमेधस। कहते कलयुग में जो सुमेधस मतलब जो अच्छा बुद्धिमान है, जो बहुत अच्छे बुद्धिमान, अपना को बड़े बुद्धिमान समझता है, कहते उनका बुद्धिमान का बुद्धिमता कैसे पता चलेगा, हम जो समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, कहते उसको पता कैसे चलेगा तुम बुद्धिमान हो, तब बताते हैं अगर वो बुद्धिमान है वो कलयुग में क्या करेगा, बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण, कहते कलयुग में जो अवतार है, कहते वो कौन है, बोले जिनको जिह्वा पर जो कृष्ण ये दो वर्ण हर समय उच्चारण होता है और उनका अंग कांति कैसे, कहते अंग कांति अकृष्ण मतलब काला नहीं गौर, हाँ कहते इसी माने चैतन्य महाप्रभु, कहते वो अकेले नहीं आएंगे, कहते सांग पांग अस्त्र पार्षद, कहते उनका अंग, कहते उनका अंग कौन है, कहते नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, कहते उनको उपांग कौन है, कहते उनको गदाधर भक्त आदि, कहते उनको परिकर कौन है, कहते श्रीवास भक्त वृंद, कहते उनका अस्त्र क्या है, कहते अस्त्र उनका ये हरिनाम संकीर्तन, हाँ कृष्ण अवतार में चक्र धारण किया, राम अवतार में उन्होंने धनुष धारण किया, लेकिन कलयुग में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को द्वारा, जैसे उन्होंने द्वापर त्रेता युग में दत्त को बध दिया, कहते दत्त सब कौन है, कहते हमारा हृदय में जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य यही दत्त है, अब उन्होंने ये हरिनाम रूपी संकीर्तन के द्वारा हमारा हृदय में जो अनर्थ बैठे हुए, ये बड़े बड़े दैत्य बैठे हुए, उन्होंने उनको नष्ट किया और हृदय में उन्होंने प्रेम को भर दिया। कहते उनको उपासना कैसे होनी चाहिए, कहते जग्यई संकीर्तन प्रायई जजंति ही सुमेधस, कहते उनका उपासना संकीर्तन रूपी यज्ञ को द्वारा उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, कहते संकीर्तन यज्ञ कैसे हो गया, यज्ञ के लिए तो हवन कुंड चाहिए, उसके लिए लकड़ी चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, उसके लिए घी चाहिए, उसके लिए एक दंड चम्मच होता है जिसमें घी डालते हैं, कहते फिर मंत्र चाहिए, कहते इतने कुछ होने पर जाकर यज्ञ होता है, लेकिन ये श्लोक में बता दिया यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, कहते संकीर्तन रूपी यज्ञ को द्वारा, संकीर्तन यज्ञ कैसे हुआ, तब हमारे भक्त लोग ने कहा, उन्होंने उदाहरण दिया, कहते हमारे जो कान है कहते यही कुंड है, हाँ जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, कहते जैसे इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा अग्नाय स्वाहा 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 करते हैं, कहते वो क्या है, कहते ये हरे कृष्ण महामंत्र है, कहते उसमें घी क्या है, कहते घी जिस भाव को द्वारा हम कृष्ण कीर्तन करते हैं ये भाव ही घी है, कहते उसमें ये चम्मच क्या जिसमें घी देकर डालते हैं, कहते जीवा है, हाँ ये जीवा है, कहते उसमें से अग्नि क्या है, कहते अग्नि जब हम भगवत कीर्तन करेंगे, कहते जीवा रूपी चम्मच को द्वारा कान रूपी कुंड में कृष्ण नाम रूपी मंत्र को, हाँ और भावना रूपी घी जब कान में डालेंगे, हृदय में जो प्रेम प्रकट होगा यही प्रेम ही अग्नि है, इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र यही कलयुग में यज्ञ है। इस श्लोक में बताए यज्ञ ही संकीर्तन प्रायई, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा कलयुग में जाग यज्ञ कुछ नहीं है, इसलिए शास्त्र ने बताया हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव
नास्तव गतिर अन्यथा। यहाँ पर जो एव शब्द, हाँ जो एव शब्द कहते निश्चय अर्थ है में, मतलब ये कलयुग में हरिनाम को छोड़ करके गति नहीं नहीं नहीं। इसलिए भक्तिमन ठाकुर का एक कीर्तन है, कहते मान हरिनाम कर सार ए भव सागर हबे बालो चर हाटिया हाई बेपार। भक्तिमन ठाकुर कीर्तन है, कहते हे कलयुग में प्रभु का नाम का एक बात सार करो, अगर प्रभु का नाम रूपी नाम में अगर बैठ जाओगे तो ये भवसागर सब सूख जाएगा और तुम चलते चलते भवसागर को पार हो जाओगे। इसलिए धर्म कर्म एजप एतप ज्ञान जोग परिहरी, कहते कलयुग में कोई ध्यान ज्ञान यज्ञ कुछ नहीं है, नहीं 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 कलित केवल उपाय गोविंद नाम। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम ही ये सर्वश्रेष्ठ है, हाँ और कोई कलयुग में रास्ता नहीं। इसलिए कदी कलयुग में ये हरि नाम को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया, कारण क्या है? कहते कारण है, कहते स्थान काल और पात्र, ये विश्वनाथ कुठल बता रहे हैं। कहते ये नाम को स्थान काल पात्र ये तीनों अवस्था में किया जा सकता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई बोलेगा नहीं केवल भारत में ये हरिनाम कीर्तन हो सकता है और कहीं नहीं, कहते नहीं, कहते स्थान मतलब आप कहीं भी, भारत में भी कर सकते हो, हॉलैंड में कर सकते हो, जर्मन में भी कर सकते हो, लंदन में भी कर सकते हो, अमेरिका कहीं भी ये नाम कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं रखा। इसलिए बोलते स्थान, फिर बोलते काल, काल मतलब उन्होंने ये नहीं बताया हाँ केवल सवेरे कर सकते हो दोपहर में नहीं, केवल दोपहर कर सकते हो रात में नहीं, कर नहीं। ये भगवत नाम को महाप्रभु ने क्या कहा, ले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवत नामामि दुर्देवं यह जानी नानुराग। महाप्रभु कहते हैं देखो मैं कितने दयालु हूँ, मेरा एक दो भी नाम नहीं, नाम नाम का बहुत है, मेरे बहुत नाम है, हाँ बहुत सारे नाम है। इसलिए भक्तिमन ठाकुर क्या बोलते हैं, बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप यशोदानंदन आनंद वर्धन नंद तनया रस हरि नाम तो अनेक स्वरूप। कितने प्रभु का नाम, बढ़िया कीर्तन भक्तिमन ठाकुर। जसोमति नंदन ब्रज वरनागर गोकुल राजन का आना, कितना बढ़िया कीर्तन लग गया। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, कितना बढ़िया कीर्तन है। और विभाव रिशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है, कितने बढ़िया बढ़िया कीर्तन। इसलिए कहते कितना मेरे नाम है, निज शक्ति तत्रार्पिता, कहते मेरे जितने सारे शक्ति है सारे शक्ति मैंने नाम में दे दिया, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है, कहते मेरे से भी ज्यादा शक्ति मेरे नाम में। नियमित स्मरण न काल, मैंने ये कोई नहीं बताया, ये समय पर कर सकते हो इसी समय पर नहीं कर सकते हो। इसलिए महाप्रभु पुरी में रहते समय जब गंभीरा में थे, महाप्रभु जो लाटिन करने जा रहे थे शौच क्रिया, महाप्रभु अपना जीवा को पकड़ करके जा रहे थे, इतने में गोपाल ने कहा प्रभु ये आप ये जीवा को क्यों पकड़ करके हाँ बैठ जा रहे हो। कहते गोपाल ये जीवा मानता नहीं, ये हर समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम, ये हर समय ये जीवा बोलता रहता है अभी मैं शौच क्रिया में जा रहा हूँ अपवित्र अवस्था, और इसी समय में भी जीवा में हरे कृष्ण, अरे कम से कम जब शौच क्रिया में जाओ तभी तो कम बंद रहे। इतने में गोपाल बोलता है प्रभु
अगर कोई व्यक्ति बिस्तरा के ऊपर पड़ा हुआ बिस्तरा में ही लाटिन पेशाब हो रहा है, क्या उसी समय प्रभु का नाम नहीं करेगा? उस समय क्या भगवान का नाम नहीं करेगा? प्रभु महाप्रभु सुनकर इतने प्रसन्न हो गए, बोले गोपाल आज से तो गोपाल गुरु हो गया, आज तो गोपाल गुरु तेरा नाम हो गया। महाप्रभु उसको तरह सिखा देने के लिए लीला की है। इसलिए नियमित एतादृश तब कृपा, कहते प्रभु आपका इतना कृपा है लेकिन हम इतने दुर्दैव है, इतने हम दुर्दैव, इतने हम हमारा ये क्या बोलते दुर्दैव है जो इतना महिमा जानते हुए भी आप नाम नहीं कर रहे, हम कितने दुर्भाग आए। इसलिए कहते स्थान काल, कहते पात्र, कहते पात्र मतलब होता है अगर कोई बोलेगा नहीं केवल ये हरिनाम तो हिंदू ही कर सकते हैं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, ये लोग नहीं कर सकते हैं। कहते नहीं, पात्र मतलब ये हरिनाम कीर्तन सभी, ये हरिनाम कीर्तन सभी करने में अधिकारी है, इसमें उन्होंने कोई पात्र अपात्र को उन्होंने कोई विचार नहीं रखा। कहते सब लोग ये हरिनाम संकीर्तन करने में सब अधिकारी है, सब लोग ये हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। इसलिए ये हरिनाम कीर्तन को सबसे सुलभ, सबसे हाँ सबसे सुलभ, सबसे हाँ एक नाम को बोले। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं, कहते अगर ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, कहते कलयुग में इसका विशेष महत्व है, ये हरे कृष्ण महामंत्र की बोले कारण किया, बोले कारण है कहते ये मंत्र स्वयं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। कहते चैतन्य महाप्रभु कौन है? कहते अकेला कृष्ण नहीं, कहते राधा और कृष्ण ये दोनों मिलकर के आए, और ये जो नाम है साक्षात महाप्रभु का मुंह से निकला हुआ नाम, ये महाप्रभु का नाम मुंह से निकला, मतलब वो मंत्र बोलते है ना कोई शुद्ध भक्त का मुंह से जब हम भगवत कथा श्रवण करते हैं विशेष फल मिलता है। इसलिए ये जो महामंत्र साक्षात राधा कृष्ण दोनों मिलकर के, कहते रसराज और महाभावरु, महाप्रभु कौन है? रसराज, रसराज कौन है? साक्षात कृष्ण, और महाभाव स्वरूपिणी कौन है? कहते राधा रानी। कहते रसराज महाभाव दोनों एकत्रित होकर के कहते ये हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात महाप्रभु का मुंह से निकला हुआ मंत्र। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ये बात को बता रहे हैं, कहते यद्यपि इसमें शक्ति था ही लेकिन जब ये महाप्रभु का मुंह से निकला, कहते इसको अंदर में, कहते ये महामंत्र पहले लोग भी जप करते थे लेकिन उनको कहां तक जाता था? वैकुंठ, नहीं तो कोई उच्चा थोड़ी गति मिल गई। लेकिन ये ब्रज प्रेम, फिर ब्रज प्रेम में भी उनको फिर महाप्रभु का परिकरत्व, हाँ महाप्रभु का अनुगत्य में अगर कोई करे तो कहते एक साथ उनको दो प्रकोष्ठ में स्थान मिलेगा, दो जगह में। कहते कहां पर? कहते एक साथ में राधा कृष्ण का परिकर बन करके, राधा रानी की दासी बन करके उनको ब्रज में स्थान मिलेगा, और वो महाप्रभु का फिर भक्त बन करके फिर उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलेगा। जैसे रूप गोस्वामी, कहते रूप गोस्वामी, कहते रूप गोस्वामी रूप में तो महाप्रभु को धाम में रहते हैं, फिर रूप मंजर रूप में कहां रहते हैं? कहते रूप मंजर रूप में गोलोक में रहते हैं, ब्रज में। सनातन गोस्वामी, कहते सनातन गोस्वामी रूप में रह रहे हैं श्वेत द्वीप में, फिर लबंग मंजर रूप में कहते राधा रानी की दासी बने हुए। जीव गोस्वामी रूप में हुए महाप्रभु के पास में, और विलास मंजर रूप में कहते राधा रानी की दासी बन करके गोलोक वृंदावन में। कहते एक साथ में दोनों प्रकोष्ठ में परिकरत्व तो प्राप्त करे, ये जो सेवा रस है केवल ये महाप्रभु का अनुगत्य में, और ये जो हरे कृष्ण जो महामंत्र है प्रभुपाद बोलते हैं ये महाप्रभु का मुंह से निकलने का नाते इसमें विशेष विशेष शक्ति है ये महामंत्र में। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं ये मंत्र तो दवा तो बड़ी मीठी है लेकिन उसका जो पत्थर है ना थोड़ा कड़वा है, परहेज 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 समझते ना उसका रूल रेगुलेशन। इसलिए कहते तो हरे कृष्ण महामंत्र कर हो जाएगा लेकिन इसका जो पथ्य है दवा खाने के लिए कुछ परहेज नियम है ना, कहते नियम थोड़ी कड़वा। कहते नियम क्या है? कहते उसमें सर्वप्रथम जो नियम है बताए, कहते ये नाम अपराध है, नाम अपराध।
इसलिए नाम अपराध को दूर करते हुए अगर ये नाम को कोई करे तो ये नाम बहुत जल्दी प्रेम देता है। इसलिए थोड़ी सी नाम अपराध प्रति ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि इस 10 तरह का नाम अपराध है, लेकिन उसमें सबसे जो ज्यादा जो अपराध है उसमें वैष्णव अपराध बताया। 10 अपराध में सबसे जो पहला जो अपराध कहते वैष्णव अपराध, तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कहते वैष्णव अपराध क्यों बताया, गुरु अपराध बोलनी चाहिए, क्योंकि भक्ति जगत में गुरु ही मूल है। कहते गुरु का जो भक्ति है व्याकबोन, कहते यही नीम है भक्ति जगत में। हाँ, लेकिन उनको तो गुरु चरण में अपराध की बात बताना चाहिए था, लेकिन वो पहले ये वैष्णव अपराध क्यों बताए। कहते कारण है, कहते गुरु के चरण में सहज में अपराध नहीं होता है। कहते कारण, कहते गुरु जी को सब लोग कहते हैं हमारे गुरु जी है। शास्त्र में भी भगवान स्वयं बताए, कहते गुरु रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रै, गुरुदेव को साक्षात हरि स्वरूप माननी चाहिए। उपनिषद ने बताया जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान को भक्ति करते हैं वैसे गुरु जी को भी भक्ति करनी चाहिए। इसलिए हर शास्त्र में गुरु चरण में जो अपराध निंदा अपमान बड़ा कठोर अपराध बताया, इसलिए सब लोग गुरु जी को सम्मान देते हैं, लेकिन वैष्णव को सम्मान नहीं दे पाते। क्योंकि बोलते तो वैष्णव है, ये वैष्णव है, अपना गुरु जी को तो सावधान रहते, लेकिन वैष्णव प्रति अनादर हो जाता है। लेकिन ये वैष्णव जो तत्व है कहते ये भी गुरु तत्व है। एक दिन महाराज जी हम समझा रहे थे, देखो इस चीज को समझो, कहते वैष्णव चरण में अपराध होना भी ये गुरु चरण में कैसे अपराध है। जैसे हमारा जो गुरु है हमारा लिए गुरुदेव है, हमारा लिए तो गुरुदेव, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वैष्णव है। जैसे भक्ति वल्लभ तीर्थ हमारा, भक्ति वल्लभ तीर्थ हमारा, हमारा लिए भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज क्या लगते हैं, हमारे लिए वैष्णव है। हमारा गुरुदेव हमारा लिए क्या क्या लगते हैं, गुरु। अभी जो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज का जो शिष्य है कहते उन्हीं के लिए उनको गुरुदेव क्या लगते हैं, गुरु। हमारा गुरुदेव उनके लिए क्या लगते हैं, वैष्णव, वैष्णव। तब अभी जो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज कहते उनका शिष्य के लिए वो तो गुरु लगते हैं, तो वो गुरु है कि नहीं। हमारा लिए तो वैष्णव लगते हैं लेकिन उनके लिए गुरु लगते हैं। कहते जो गुरु तत्व कहते ये एक अखंड गुरु तत्व है, गुरु तत्व को माना गया ये अखंड गुरु तत्व है। इसलिए उनका जो हमारा लिए जो वैष्णव लगते हैं कहते वो भी हमारे लिए गुरु तत्व है। हमारा गुरु भी हमारा लिए गुरु और वो भी उनका गुरु भी हमारे लिए गुरु है ये, क्योंकि एक अखंड गुरु तत्व है। इसलिए वैष्णव भी गुरु तत्व है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना गुरुदेव तो खूब सम्मान करते हैं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, वैष्णव के लिए अरे ये तो हमारा थोड़ी गुरुदेव है। इसलिए 10 तरह का अपराध में जो सर्वप्रथम जो अपराध ये गुरु, हाँ ये वैष्णव अपराध बताए। इसलिए महाप्रभु रूप गोस्वामी को जब रूप शिक्षा दे रहे हैं वहां पर क्या बताए, बोले रूप, जब साधक भजन साधन करता है अगर बीच में ये अपराध रूपी वैष्णव अपराध रूपी हाथी अगर वो बगीचा में प्रवेश कर गया ना, कहते जड़ समेत उसको पेड़ को उखाड़ देगा, वो भक्ति चिरकाल के लिए नष्ट हो जाएगा। इसलिए वहां पर वैष्णव अपराध के लिए महाप्रभु सावधान किया। और देखो महाप्रभु अपना मैया तक भी नहीं छोड़े, महाप्रभु मदर। इसलिए महाप्रभु जब अष्ट प्रहर भाव से सारे भक्तों को वरदान दे रहे थे, सारे भक्तों को वरदान दे रहे थे, इतने में सच्ची मैया दरवाजा को बाहर खड़े हुए, लेकिन महाप्रभु सबको बुला करके वरदान दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन अपना मैया को नहीं बुला रहे थे। तब महाप्रभु का भक्तों ने पूछा, बोले प्रभु आप सबको प्रेम दे रहे हो, अपना मैया को क्यों नहीं प्रेम दे रहे हो। महाप्रभु बोलते हैं मेरी मैया वैष्णव अपराध, मैया ने वैष्णव अपराध की है। बोले प्रभु मैया ने वैष्णव अपराध, किसको चरण में अपराध, बोले अद्वैत आचार्य के चरण में। बोले कैसे, जब उनका बड़ा बेटा विश्वरूप सन्यास ले लिया, सन्यास उनको बड़ा बेटा सन्यास ले लिया, उसी समय एक बेटा अगर सन्यास किसी माता का हो जाए, हाँ
तो मैया कितना कष्ट होगा। इसलिए मैया बड़ी दुखी होकर के बोली, बोले के बोले अद्वैत तार द्वैत गरिमानी। कौन उनको अद्वैत बोलते हैं? अद्वैत मतलब दो नहीं, सबको एकत्रित रखे, वो तो द्वैत है। कहां मेरे बेटे को लाल ना पाल ना करके बड़ा किया, हम बुढ़ा बुढ़ी हो जाने पर हमको देखेगा, और ये जब बेटा को बड़ा कर दिया, ये सन्यासी बना दिया उसको। इसलिए इतना शब्द बोलने का नाते महाप्रभु कला वैष्णव अपना फिर सच्ची मैया को साक्षात सच्ची मैया को जाकर के अद्वैत आचार्य के चरण में माफी मांगना पड़ा। फिर महापुरुष को अपराध को माफ करते हैं। श्रीवास पंडित उनको चरण में गोपाल चापाल ने अपराध किया, उनका सारा शरीर कुष्ठ व्याधि हो गया, सारा शरीर में कूड़ हो गया, कुष्ठ व्याधि लेपरसी हो गई। हाँ, बड़े उनको कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए महाप्रभु भी ये स्वयं सिखा दिया, ये वैष्णव अपराध भक्ति जगत में सबसे खतरा है। इसलिए ये वैष्णव अपराध का प्रति हमें ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं हुई। इसलिए ये दस तरह का अपराध को छोड़ते हुए अगर कोई थोड़ी सी हरि नाम करे, वो नाम उनको प्रेम देने वाले ही साक्षात प्रेम दे देगा। इसलिए हमारे जो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, वो भजन में क्या गाते हैं, बोले गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर यही दासे त्रिनापेक्षा अति हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर यही दासे त्रिनापेक्षा अति हीना। आ सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज मारे पिया निज मारे पिया सकल we'll be right back.
ये भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, कल सकले सम्मान करते सकती, कहते हे गुरुदेव जैसे सभी को हम सम्मान कर सके, ऐसे नहीं केवल गुरु को ही सम्मान, कहते सकले सम्मान करते सकती देह नाथ जथा जथ मतलब जिसको जितने सम्मान देनी चाहिए जैसे सभी को हम उपयुक्त सम्मान दे सके, तबे तो गाय व हरिनाम सुखे, कहते हरिनाम हम कब जब कर सकते हैं, तब भी हम हरिनाम कर सकते हैं जब त्रिनाद भी सुनी चेना तर भी सही सुना अमानी नाम मान देना कीर्तनीय सदा। ये प्रभुपाद की बात को उसी कीर्तन में प्रभुपाद टीका में बात बता रहे हैं, टीका में प्रभुपाद इसलिए कहते हैं तभी जब सभी को हम उपयुक्त सम्मान दे त्रिनाद भी सुनी च बने तरर भी सही सुन बने स्वयं अमानी बन करके सभी को जब हम यथा योग्य सम्मान दे तभी ये कीर्तन हो सकता, नहीं तो कीर्तन नहीं होगा। और क्या करनी चाहिए, बोले संकीर्तन शब्द आया, बोले अकेले नहीं, कलयुग में अकेले में शक्ति नहीं मिलेगा, नहीं शक्ति मिलेगा, मना करते हैं। इसलिए महाप्रभु का जो प्रथम श्लोक है चित दर्पण उसमें क्या बोलते हैं, कहते परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, कीर्तन शब्द नहीं आया, बोले संकीर्तन प्रभुपाद बोलते संकीर्तन मतलब क्या, कहते अकेला में संकीर्तन नहीं होता है, जब बहु भी मिलित्वा जब बहुत मिल करके जब कीर्तन करे वो संकीर्तन है, कहते कलयुग में उसमें शक्ति आती है, अकेले अकेले शक्ति नहीं आएगा। भक्तिमन ठाकुर क्या बोलते हैं, भक्तिमन ठाकुर कहते एकाकी अमर नाही पाए बोल हरि नाम संकीर्तन, भक्तिमन ठाकुर बोलते ना हे वैष्णव ठाकुर अकेला भजन में शक्ति आना बहुत कठिन है। फिर वो जो श्लोक में भी अभी जो श्लोक को सुना जो नवे जोगेंद्र बता रहे हैं उसमें क्या बताए, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय, बोले संकीर्तन रूपी यज्ञ को द्वारा, वहां भी संकीर्तन शब्द आया। कहते कलि युग में अकेला भक्ति करना बहुत कठिन है, जब हम सब मिल करके कीर्तन करें तो उसमें शक्ति आती है, उसमें शक्ति उसमें उत्साह आते हैं। अकेले हो जाओ ना फिर दो दिन बाद में जो तिलक कर रहे हैं ये तिलक भी छूट जाएगी, गला में जो कंठी धारण करके रखे ये कंठी भी अपने आप उतर जाएगी, ये थोड़ी जो माला कर रहे हैं समझो केवल वैष्णव का संग में बैठ करके हम कीर्तन कर रहे हैं प्रभु का भजन कर रहे हैं, हमें उत्साह मिल रहा है। हाँ तभी हमें उत्साह मिल रहा है, अगर ये वैष्णव का संग अगर छूट जाए ना ये थोड़ी बहुत जो हम माला कर रहे हैं ये माला भी तो हाथ से छूट जाएगी। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, देखो हम साक्षात धाम में रहते हुए जब हम थोड़ा हरि कथा के अभाव हो जाए बा जब हम थोड़ी आपस में भगवत कथा नहीं करते हैं हमारा ही मन उदास हो जाता है, हमारा ही मन उदास हो जाता है। इसलिए कलयुग में शक्ति तब आएगा जब सबको साथ में बैठ करके कीर्तन करे हरि नाम करे भगवत कथा श्रवण करे तभी हृदय में शक्ति आती है, भजन करने की उत्साह आती है। इसलिए कलयुग में सब मिल करके कीर्तन करे बैठ करके एक भाव व्यक्ति सब बैठ करके आपस में हमारा अंदर में जितना अधिकार है वो अधिकार के अनुरूप सबके सब बैठ करके ये भगवत कथा को श्रवण करे। हमारा अंदर में जो थोड़ी सी अच्छे जिनको थोड़ी भगवत कथा हो वो भगवत कथा करे वहां से सुने, नहीं तो कम से कम ग्रंथ तो पढ़े। ग्रंथ किसका है, साक्षात महाप्रभु का, रूप गोस्वामी का, भक्तिमन ठाकुर का, उनका ही ग्रंथ है। इसलिए जब हम बैठ करके सब मिल करके कीर्तन करेंगे कथा सुनेंगे हमारा हृदय में शक्ति आएगी, नहीं तो शक्ति नहीं आएगी। इसलिए हम लोग सब मिल करके और कुछ अब लोग कोशिश करो जैसे गोष्ठ वर्धता मतलब ये श्रीवास पंडित बता रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा गोष्ठी वर्धन होनी चाहिए, हमारा गोष्ठी बढ़नी चाहिए। अगर हमारा अंदर में कुछ योग्यता है प्रभु ने दिया वो योग्यता को अकेले अकेले ये नहीं करो, जितना गुण है उसको प्रकाश करो, अभिव्यक्ति करो, दूसरों को भी भजन में लगाओ। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमारे जो गुरुदेव का जो शिष्य लोग है धीरे 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 दूसरों को प्रचार करे, अपना दोस्तों को परिचित लोगों को
जितने गुरु जी से हमने सुना, जितने हम वैष्णव से सुना, उतना कथा उनको भी सुनाए और धीरे 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 उनको भी भक्ति में जोड़े। और यहाँ पर भगवत इच्छा से हमारे यहाँ एक आसन आश्रम भी हो गया, जिसमें हमारे प्रभु जी रहते हैं। कौन से प्रभु? इंद्रभूषण प्रभु जी वहां पर रह रहे हैं, हमारे अच्छे प्रभु जी है इंद्रभूषण प्रभु जी। इसलिए धीरे धीरे मंदिर में लाए, दूसरों को उत्साह दे दे करके धीरे धीरे ऐसे हो पूरा हलांड का व्यक्ति भगवत कीर्तन में भगवत नाम ना छूटे। इसलिए स्वामी महाराज बोलते हैं ना, स्वामी क्या बोलते हैं, कहते ये आंदोलन क्या संकीर्तन मूवमेंट वो कहते हैं, वो आंदोलन है। ऐसे करो पूरा एक दिन संपूर्ण हलान कृष्ण कीर्तन महाप्रभु का कीर्तन में नाच उठे, गली अली गली में सर्वत्र भगवत कीर्तन हो भजन हो। इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए, एक व्यक्ति को समझा बुझा करके हम भजन में लाए। अभी राधा रमन प्रभु बोल रहे थे, इसलिए कृष्ण गीता में यही बात बताते हैं, कहते सबसे मेरा प्रिय कौन है, कहते मेरी कथा सुना करके, जो कथा सुनाते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी भजन में ले जाते हैं। मेरे गुरु जी बोलते थे, मेरे गुरु जी एक व्यक्ति को गुरु जी ने हमारे संन्यास दिया, वो इतना लिखा बढ़ा नहीं थे साधारण, लेकिन बड़े मीठी मीठी हरी कथा सुनाते थे और उन्होंने बहुत बच्चों को हरी कथा सुना कर लाए। इतना लिखा बड़ा नाच नहीं था, हाँ इतना लिखा बड़ा नहीं था। गुरुदेव उसको पर संतुष्ट होकर उन्होंने संन्यास दिया। मेरे गुरु जी ने कहा उसका इतना लिखा बड़ा है नहीं, उसको मैं क्यों संन्यास दे रहा, बोले कारण है कभी जीवन तो पुष्पों को ला करके ठाकुर के चरण में चढ़ाया। जो हम साधारण जो पुष्प चढ़ाते हैं एक दिन दो दिन बाद में मुरझा जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे पुष्पों को लाए, मतलब बहुत सारे बच्चों को कथा सुना करके लाए। कभी जीवन तो पुष्प है, जो पुष्प मुरझाने वाले नहीं, दिन प्रतिदिन ज्यादा विकसित होता है, खिलता रहता है। मतलब जितना भजन में आएगा, जितने प्रभु का भजन करेगा कीर्तन करेगा वो खिलता रहता है ना। इसलिए मेरे गुरु जी ने कहा इसलिए मैं इसको संतुष्ट होकर संन्यास दे रहा हूँ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं उसको पर मैं विशेष संतुष्ट होता हूँ जो जीवों को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके उनको भगवत भजन में जो लगाते हैं उसको प्रति मैं विशेष आशीर्वाद करता हूँ। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना धीरे 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 हमारे महाराज की जो गोष्ठी है, जो भक्त है, धीरे 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 फैलते रहे, बढ़ते रहे, दिन प्रतिदिन नए नए पुष्प आए और ठाकुर के चरण में अर्पित हो। बसे वृंदावन बिहारी लाल की निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। अभी ठाकुर जी आरती करो, एक थोड़ी कीर्तन करो, हाँ दो कीर्तन करो, हाँ तेरा सरंद प्रभु की जय जय व्यवहार दो लाइन गा कर उसको आप लोग कितने चीज जय जय नहीं नहीं करते हम आरती में तुम नाचेंगे। अच्छा अच्छा ओके दो मिनट दो दो मिनट जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल यशोदा दुलार जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलार जय यशोदा दुलार जय जय देव हरे। Yeah, yeah.
Thank you.
Okay.